बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल फंक्शंस फ्रॉम आर एन टू एम, वेयर एम इज़ एनी सरफेस। और इस केस में हमने देखा था कि हाउ वी कैन चेक दैट दिस फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशियबल। और एज ए पर्टिकुलर केस हमने कर्व्स को डिस्कस किया था, विच आर फंक्शंस फ्रॉम सम ओपन सबसेट ऑफ आर टू एम। उसके बाद हमने फंक्शंस फ्रॉम एम टू आर, विच आर फंक्शंस फ्रॉम एम टू सम रियल नंबर, इनको डिस्कस किया था। और ये हमने देखा था कि हाउ वी कैन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दीज फंक्शंस। और एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चंस हैं और जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी उनमें हिंट्स भी गिवन होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। इट विल बी वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे जैसे हम अब आगे चल रहे हैं चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो रही हैं। चीज़ों को अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप साथ साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी ट्राई करें। आज के लेक्चर में हम टेंजेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर टेंजेंट वेक्टर फील्ड्स एंड व्हाट आर ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड्स। सो स्टार्ट लेते हैं हम डेफिनेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द सरफेस। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्व के केस में टेंजेंट को डिफाइन करना बहुत सिंपल है। किसी भी पॉइंट पे व्हाट इज टेंजेंट, ए लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट, और इसको हम टेंजेंट कहते हैं। और अगर कर्व जो है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है और इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी गिवन है, देन द टेंजेंट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर। सो बेसिकली जिस डायरेक्शन में पैरामीटर इंक्रीज कर रहा है। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आप कैलकुलस के कोर्स में देखते हैं। अब अगर मैंने डिफाइन करना है व्हाट इज टेंजेंट वेक्टर टू ए सरफेस, उस केस में मैं इसी आइडिया को यूज़ करूँगा जो कि कर्व्स के केसेस में हमने किया था, कि टेंजेंट वेक्टर इज़ ए लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट एंड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर। इसी आइडिया को यूज़ करूँगा मैं टू डिफाइन ए टेंजेंट वेक्टर टू द सरफेस। सो गिवन ए सरफेस एम एंड लेट पी बी ए पॉइंट ऑफ एम। सो ये हमने एक पॉइंट ले लिया है ऑन द सरफेस एम पे। Then a tangent vector 2r3 at P, so कोई सा भी tangent vector आप लें 2r3 at point P, this will be tangent vector to M if V is the velocity of some curve in M. So basically कोई सा भी tangent vector है, there are many tangent vectors at this point P, so all of these are tangent vectors 2r3 at point P. In mein se ek vector which is velocity to some curve in M, this vector is basically the tangent to the surface at point P. So in mein se ek vector which is velocity of some curve in M is basically tangent to the surface at point P. So इसका मतलब ये है कि अगर कोई सा भी वैक्टर है, tangent vector है at point P, वो tangent to the surface होगा at point P if there is exist a curve. So this is the curve such that, इसमें बेसिकली ये ओरिएंटेशन भी गिवन है, सो एट दिस पॉइंट आप कर्व के ऊपर टेंजेंट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, और जो टेंजेंट वेक्टर होगा इस कर्व के ऊपर जो कि कर्व सरफेस के ऊपर लाई कर रही है, सो दिस कर्व इज कंटेन्ड, सो दिस सी इज कंटेन्ड इन द सरफेस एम, और ये पॉइंट पी से भी पास कर रही है कर्व, तो उस पॉइंट पी पे इस कर्व का जो
टेंजेंट वेक्टर होगा या जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे दिस इज टेंजेंट टू द सरफेस एट पॉइंट पी. सो द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू एम एट पी इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन ऑफ एम एट पॉइंट पी एंड इज डिनोटेड बाय टी पी एम. नाउ देयर आर मेनी कर्व्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और हर कर्व के ऊपर हम एक टेंजेंट वेक्टर ले सकते हैं. सो दीज आर ऑल टेंजेंट वेक्टर्स. सो जितनी भी कर्व्स पॉइंट पी से पास कर रही हैं हर पॉइंट पी पे एक वेलोसिटी वेक्टर होगा और ये तमाम के तमाम जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं विच आर वेलोसिटीज ऑफ द कर्व्स कंटेन्ड इन एम एंड पासिंग थ्रू पॉइंट पी इनके जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनका अगर आप यूनियन लेंगे तो आपके पास एक प्लेन बनेगा. इन तमाम वेक्टर्स का जब आप यूनियन लेंगे सो हर डायरेक्शन में आपके पास ये वेलोसिटी वेक्टर्स आएंगे और इन वेक्टर्स का जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास एक प्लेन बनेगा और उस प्लेन को हम कह रहे हैं दिस इज द टेंजेंट प्लेन ऑफ एम एट पॉइंट पी एंड इज डिनोटेड बाय टी पी ऑफ एम. नाउ लेट्स रिवाइज के हमने अभी तक क्या किया है. एक पॉइंट लिया है किसी भी सरफेस का. हमने आइडिया यूज किया है हाउ टू डिफाइन ए वेलोसिटी वेक्टर टू ए कर्व. इसको यूज करके हमने टेंजेंट्स डिफाइन किए हैं टू द सरफेस एट पॉइंट पी. व्हाट इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द सरफेस? दिस इज जस्ट द वेलोसिटी ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दैट पॉइंट पी. और इस केस में आपके पास ये टेंजेंट आ जाएगा और इन तमाम इस किस्म के तमाम टेंजेंट्स को अगर मैं यूनियन ले लूं तो मेरे पास एक प्लेन बनेगा और इस प्लेन को हम कहते हैं दिस इज द टेंजेंट प्लेन ऑफ एम एट पॉइंट पी. और इस सरफेस पे हमने कुछ ऐसी कंडीशंस इम्पोज की हुई हैं कि हमेशा ये एक प्लेन ही बनेगा. इट विल ऑलवेज बी ए टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. सो जो प्लेन है ये बेसिकली एक स्मॉल पोर्शन इसमें पिक्चर में दिखाया गया है. बेसिकली इट इज इन्फिनिट प्लेन. सो दिस इज एक्सटेंडेड इन एवरी डायरेक्शन. सो दिस इज बेसिकली ए कॉपी ऑफ आर टू. सो इट इज ए टू डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ द टेंजेंट स्पेस टी पी आर थ्री. क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में देखा था देर आर मैनी मैनी टेंजेंट वैक्टर्स टू आर थ्री एट पॉइंट पी. लेकिन वो तमाम के तमाम टेंजेंट वैक्टर्स जो हैं टेंजेंट्स टू द सर्फेस नहीं हैं. उनमें से कुछ खास वैक्टर्स हैं विच आर टेंजेंट्स टू द सर्फेस और वो तमाम वैक्टर्स एक प्लेन बनाते हैं. एंड सिंस एवरी वैक्टर विच इज टेंजेंट टू द सर्फेस इज ऑल्सो ए टेंजेंट वैक्टर टू आर थ्री एट पॉइंट पी. सो इट इज ए सबसेट ऑफ सो टी पी ऑफ एम. एवरी टेंजेंट टू द सर्फेस इज ऑल्सो ए टेंजेंट वैक्टर टू आर थ्री एट पॉइंट पी. सो इट इज डेफिनेटली ए सबसेट. नाउ द पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो ए सब स्पेस. सो बेसिकली हमने ये चीज प्रूव की हुई है दैट दिस इज ए वैक्टर स्पेस. अब हम सिर्फ ये प्रूव करेंगे दैट दिस इज ऑल्सो ए वैक्टर स्पेस एंड सिंस दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस. सो दिस इज ए सब स्पेस ऑफ द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट्स टू आर थ्री एट पॉइंट पी. ये जो लेमा है ये हमारे इस फैक्ट को प्रूव करेगा कि हाउ द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी टू द सरफेस एम इज ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और व्हाई दिस इज ए सब स्पेस टू द टेंजेंट्स टू आर थ्री एट पॉइंट पी. सो बेसिकली टी पी ऑफ एम इज ए सब स्पेस ऑफ टी पी ऑफ आर थ्री. सो ये जो लेमा है ये इस चीज को प्रूव कर रहा है. सो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं. लेट एम बी ए सरफेस इन आर थ्री. कोई सी भी हमने सरफेस ले ली है
आर थ्री में, अभी तक हम सर्फेसिस इन आर थ्री ही डिस्कस कर रहे हैं। कोई सा पॉइंट पी ले लिया है मैंने उस सरफेस पे, सो लेट्स से इस केस में हम स्फीयर ले रहे हैं, लेकिन इन जनरल दिस इज ट्रू फॉर एवरी सरफेस। सो ये एक पॉइंट पी है इस सरफेस एम पे, एंड लेट एक्स बी ए पैच ऑफ एम। सो बेसिकली मैंने एक छोटा सा पैच ले लिया है, लेट्स से दिस इज द पैच विच इज बेसिकली द इमेज ऑफ सम ओपन सेट डी ऑफ आर टू, एंड दिस इज द मैप एक्स, एंड दिस पैच इज एक्स ऑफ डी, सच दैट एक्स ऑफ यू नॉट वी नॉट इज इक्वल टू द पॉइंट पी। such that x of u naught v naught is equal to p, so हमारे पास एक point है u naught v naught in this domain D, and the point p is basically x of u naught and v naught. Now we know that there is a line parallel to the u axis passing through this point P, and it will correspond to a curve on x of d which just depends on the parameter u, and since v is constant on this case, so let's say this is the curve. So this green line is that curve. And similarly, u naught v naught passes through a line which is parallel to v axis, and u is fixed in this case. And in this case, the image of this line under x is going to be a curve in this patch. So this is denoted by this red line. Now, हमने ये देखा था last lecture में के x u u naught v naught is basically this vector, and similarly x v u naught v naught is basically this vector. Now what is this statement? The statement says that a tangent vector to R3 is tangent vector to M at point P if and only if V can be written as a linear combination of these two vectors. And what are these vectors? These are basically the tangents to these parameter curves. So किसी भी point पे surface के और एक विच इज कंटेन्ड इन इमेज ऑफ सम पैच, और ये जो पॉइंट पी है दिस इज इमेज ऑफ द पॉइंट यू नॉट वी नॉट ऑफ द डोमेन डी, देन एनी वेक्टर, सो सो बेसिकली देर आर मैनी टेंजेंट वेक्टर्स एट दिस पॉइंट पी, सो देर आर मैनी 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 टेंजेंट वेक्टर्स, लेकिन उनमें से चंद ही ऐसे होंगे जो कि टेंजेंट टू द सरफेस एम है एट पॉइंट बी। अब उनको कैसे डिटरमिन किया जाए, तो ये जो लेमा है ये आपको हेल्प कर रहा है इसमें। ए टेंजेंट वेक्टर टू आर थ्री इज ए टेंजेंट वेक्टर टू एम एट पॉइंट बी इफ एंड ओनली इफ वी can be written as a linear combination of these two velocity vectors. So this statement says ke kisi bhi point pe agar koi tangent vector given hai, how to prove that this is tangent to the surface at point P?
दिस विल बी टेंजेंट टू द सर्फेस एट पॉइंट पी इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन. सो फॉर एग्जाम्पल ये कोई वैक्टर वी है हमारे पास, सो दिस इज टेंजेंट टू द सर्फेस एट पॉइंट पी इफ वी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लेमा. सो अब हम डिटरमिन कर सकते हैं कोई सा भी टेंजेंट वैक्टर हो व्हेन दिस टेंजेंट वैक्टर 2r3 एट पॉइंट पी इज टेंजेंट टू द सर्फेस एट पॉइंट पी. सो आइए हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं. सो प्रूफ के लिए सबसे पहले इसमें दो हमने डायरेक्शंस प्रूफ करनी है इफ एंड ओनली इफ. सो लेट्स फर्स्ट अज्यूम दैट वी, सो लेट वी इज टेंजेंट टू एम एट पी. और इसमें एक और चीज गिवन है, ये पैच गिवन है. सो बेसिकली दिस पैच इज इमेज ऑफ सम ओपन सेट डी ऑफ आर टू. नाउ दिस इज टेंजेंट टू एम एट पी. सो बाय डेफिनेशन दिस वेक्टर बी इज टेंजेंट टू एम एट पी. सो बाय डेफिनेशन देर एग्जिस्ट ए कर्व. सो देर एग्जिस्ट ए कर्व इन एक्स ऑफ डी सच दैट दिस वी इज वेलोसिटी वेक्टर टू दैट कर्व. सो ये हमने अभी जो डेफिनेशन की थी उसको अप्लाई कर रहे हैं. इफ वी इज टेंजेंट टू द सर्फेस एट पॉइंट पी देन देर एग्जिस्ट ए कर्व इन एक्स ऑफ डी सच दैट वी इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट कर्व. ओके नाउ सो दिस इम्प्लाइज देर एग्जिस्ट अल्फा फ्रॉम आई टू द सर्फेस एम सच दैट अल्फा ऑफ जीरो इज पी एंड अल्फा प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू वी. सो दिस इज अल्फा दिस कर्व एंड दिस इज बेसिकली इमेज ऑफ एन ओपन इंटरवल टू एक्स ऑफ डी. और इन जनरल ये पूरी सरफेस में होगा लेकिन हम सिर्फ इस पैच में इंटरेस्टेड हैं. सो दिस इज द कर्व एंड अल्फा ऑफ जीरो इज पी एंड अल्फा प्राइम ऑफ जीरो इज द वेक्टर बी. और ये वेलोसिटी वेक्टर है एट पॉइंट पी पे. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. सो हमने अभी तक अज्यूम किया कि वी टेंजेंट टू द सर्फेस एम है एट पॉइंट पी. और अगर ये टेंजेंट टू द सर्फेस है देन देयर एग्जिस्ट अ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी हुज वेलोसिटी वेक्टर इज वी. नाउ वी नो दैट अगर कोई सी भी कर्व हो जो कि एक पैच के अंदर लाई कर रही है विच डेफिनेटली इमेज ऑफ सम ओपन इंटरवल ऑफ आर टू अंडर दिस अल्फा देन दिस कर्व कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड देन दिस कर्व कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द इमेज अंडर एक्स ऑफ सम कर्व इन दिस डी. सो बेसिकली देर एग्जिस्ट ए वन ऑफ टी ए टू ऑफ टी सच दैट सो बाय ए प्रीवियस रिजल्ट कोई सी भी अगर कर्व हो सरफेस में तो उसका जो इमेज है इन सम पैच एक्स ऑफ डी इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड एज इमेज ऑफ सम कर्व इन द डोमेन डी. सो देर एग्जिस्ट ए वन ऑफ टी ए टू ऑफ टी और इस कर्व की जो डोमेन है ये वंस अगेन द सेम इंटरवल आई है सच दैट दिस कर्व अल्फा ऑफ टी इज बेसिकली एक्स ऑफ ए वन ऑफ टी एंड ए टू ऑफ टी. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. कोई सी भी कर्व किसी पैच में गिवन हो इट कैन बी ऑब्टेन्ड एज इमेज ऑफ सम ओपन इंटरवल ऑफ आर अंडर अल्फा और इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड
as image of x of some curve in the domain D. So there exists a curve a1 of t, a2 of t in the domain D such that alpha of t is equal to x of a1 of t, x2 of t. Now what is alpha prime of t from here? Now using the chain rule, I can say this is partial x by partial u, because x is a function of u and v, and then again u is a function of t and v is a function of t. So partial x by partial u, so a1 a2, so in short mein likh raha hu, jo variable t hai isko ignore kar diya, and da1 by dt, so plus xv a1 a2 da2 by dt. Now what is alpha prime of 0, which is basically the velocity vector? So this can be written as xu a1 of 0, a2 of 0, da1 by dt of 0 plus xv a1 of 0, a2 of 0, and da2 by dt of 0. Now what is a1 of 0 and a2 of 0? Kyunki when t is equal to 0, we get the point P, and the point P has coordinates u0 and v0. So the point P has, so the point P is u0, v0. So and when t is equal to 0, kyunki is expression se aap dekh sakte hain, alpha of 0 is P, so alpha of 0 should be equal to P, but alpha of 0 from this expression is equal to x of a1 of 0, a2 of 0. So definitely a1 of 0 is u0 and a2 of 0 is v0. So basically this is equal to xu u0 v0 d alpha 1 by dt at 0. So basically aap a1 ko differentiate karenge with respect to t, and a1 is a function of t, or is pe jab t is equal to 0 put karenge, then you will get a number plus xv u0 v0 plus da2 by dt at 0. So basically once again this is a number, and so v, which is equal to alpha prime of 0, this is by definition, kyunki aapne kaha tha alpha prime of 0 is v, so v which is equal to alpha prime of 0 is linear combination of xu u0 v0 and xv u0 v0. So basically ye jo do vectors the, xv u0 v0 and xu u0 v0, v can be written as a linear combination of these two vectors. Humne assume kya kiya, that v is tangent to the surface at point P, or at the end humne kya likh liya, humne ye likh liya that the vector v is in fact a linear combination of these two vectors. Ab conversely hum kya karenge, conversely hum ye karenge ke if v is linear combination of these two vectors, then v is a tangent to the surface. So let's see the converse. So to prove the converse, conversely, let v be a linear combination of xu u0 v0 and xv u0 v0. So linear combination means there will be no powers of xu u0 v0 and xv u0 v0. So this implies that there will exist a c1 constant and constant c2 such that v can be written in this form. Now this is a vector which is linear combination of c1
एंड सी टू. नाउ वी इज ए वेक्टर विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेलोसिटी वेक्टर्स. नाउ इफ वी इंटीग्रेट वी देन इट विल गिव अस ए कर्व गिवन बाय and so it is a curve which passes through the point. So for t is equal to 0, this curve passes through u naught v naught. Or jab aap iska derivative lenge at point t is equal to 0, then it will give me a velocity vector which is the same as this vector. So this implies that v is tangent to m at point p. So let me revise this part of the proof. Agar ye linear combination hai in do vectors ka, then I can write down a curve such that at point t we get the point p, basically the same point jahan pe humne ye x u u naught v naught or x p u naught v naught liye hue, it's the same point. Or उस पॉइंट पे एक कर्व पास कर रही है जिसका वेलोसिटी वेक्टर, सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें इस कर्व को और t इक्वल टू 0 पुट करें, देन यू विल गेट द सेम v जिसका वेलोसिटी वेक्टर v है. सो वी हैव फाउंड ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट u नॉट v नॉट सच दैट द वेलोसिटी वेक्टर टू द कर्व is this vector v. So by definition this vector v is the tangent to the surface m at point p. So this result is very important. सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पैच में ऐसी conditions impose की हैं which tells us that x u and x v at any point they are linearly independent. So basically an equivalent condition was x u cross x v is non-zero, or in other words the function x is regular. So they are the same thing. ये हमने एक last lecture में discuss किया था. So x is regular and x u cross x v is non-zero, they mean the same. So if this is non-zero at each and every point, then this means that they are linearly independent. And if they are linearly independent, then the vector space generated by them will be two-dimensional. So two linearly independent vectors generate a two-dimensional vector space. So we will get a two-dimensional vector space of the space TP of R3, which is the space of all tangent vectors to R3 at point P, and this is three-dimensional. सो बेसिकली आपने क्या किया है, एक सरफेस ली है, उस सरफेस के ऊपर आपने एक टेंजेंट प्लेन डिफाइन किया, उस टेंजेंट प्लेन को फिर आपने प्रूव कर दिया दैट एवरी वेक्टर ऑफ द टेंजेंट प्लेन कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. अब आपको ये भी साथ साथ एहसास हो रहा होगा कि हमने ये कंडीशंस क्यों इम्पोज की हैं और क्यों ये कंडीशंस हमारे लिए सिंप्लीफाई करेंगे सिचुएशन को. फॉर एग्जांपल y x इज रेगुलर, सो इफ x इज रेगुलर देन x u एंड x v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे जनरेट द टेंजेंट स्पेस टू द सरफेस. सो बेसिकली लेट मी से अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई सी भी सरफेस हमारे पास गिवन हो, हम उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लेन डिफाइन कर सकते हैं एंड दैट टेंजेंट प्लेन इज बेसिकली जनरेटेड बाय द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एक्स यू एंड एक्स वी एट दैट पॉइंट एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज वी रिक्वायर्ड दैट एक्स इज रेगुलर. नाउ वी हैव सीन दैट ए कर्व कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए लीनियर फंक्शन. जब हम टेलर सीरीज कर रहे थे तो हम ये देखा था कि अगर मैं फर्स्ट टर्म ले लूँ सिर्फ टेलर सीरीज की, देन इट विल गिव मी एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए कर्व
विच इज लीनियर अप्रोक्सीमेशन. लेकिन अगर मैं टेलर सीरीज की पहली दो टर्म्स ले लूं, देन इट विल गिव मी ए क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कर्व नियर दैट पॉइंट पी. और अगर मैं फर्स्ट थ्री टर्म्स ले लूं, देन इट विल गिव मी ए क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कर्व नियर दैट पॉइंट. और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं टर्म्स लेता जाऊंगा, आई विल बी गेटिंग मच क्लोजर अप्रोक्सीमेशन विच आर क्लोजर टू द कर्व एज कंपेयर टू दिस लीनियर अप्रोक्सीमेशन. सो दिस लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कर्व का पोर्शन इंतहाई छोटा ले लूं, देन दिस लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज ए वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन. सो उसके इक्विवेलेंटली या उसके पैरेलल के तौर पे सर्फेसिस के केस में ये जो हमने टेंजेंट प्लेन डिफाइन किया है इज ए लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ सर्फेस नियर दैट पॉइंट पी. सो कोई से भी सर्फेस गिवन हो, उसके किसी भी पॉइंट पी पे हम उसको अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहें बाय सम लीनियर फंक्शन, देन दिस टेंजेंट प्लेन इज यूज एज ए लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सर्फेस नियर दैट पॉइंट पी. सो इट इज सिमिलर टू द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कर्व नियर ए पॉइंट पी. और इस केस में हम ऑनवर्ड भी गए थे, हमने क्वाड्रिक अप्रोक्सीमेशन, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, और जितनी जितनी टेलर सीरीज की टर्म्स लेते जाएंगे इतनी आपके पास अप्रोक्सीमेशन आती चली जाएंगी. लेकिन हम सर्फेसिस के केस में सिर्फ और सिर्फ लीनियर अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करेंगे और इससे ऑनवर्ड नहीं जाएंगे. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर यूक्लिडियन एंड टेंजेंट वेक्टर फील्ड्स. ए यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड ऑन द सर्फेस एम, अभी तक हमने जो वेक्टर फील्ड्स डिसाइड किए, डिफाइन किए, डिस्कस किए, वो तमाम के तमाम वेक्टर फील्ड्स थे ऑन आर थ्री. सो देवर फंक्शंस दैट विल गिव वेक्टर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ आर थ्री. सो अभी तक हमने इस किस्म के वेक्टर फील्ड्स डिस्कस किए थे. अब हम उन वेक्टर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे विच हैव देयर इनिशियल पॉइंट्स एट द सर्फेस, या सिर्फ और सिर्फ जो सर्फेस के पॉइंट्स हैं उन पे डिफाइंड है. सो ए यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड ऑन एम इज ए फंक्शन जेड दैट मैप्स एवरी पॉइंट पी ऑफ एम टू ए टेंजेंट वेक्टर जेड ऑफ पी टू आर थ्री एट पॉइंट पी. सो दिस इज जस्ट एनी टेंजेंट वेक्टर्स, दिस इज नॉट टेंजेंट टू द सर्फेस एट पॉइंट पी, दिस इज जस्ट एनी टेंजेंट वेक्टर. सो इट कुड बी एनी वेक्टर दैट हैज द इनिशियल पॉइंट ऑन द सर्फेस. सो किसी भी पॉइंट पे कोई भी वेक्टर आप डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट्स से ये हमारे पास एक स्फीयर है. सो इस स्फीयर के केस में हम यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, और यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड उसकी जो डोमेन है वो सरफेस एम है, और उसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल टेंजेंट्स टू आर थ्री है, और इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो सरफेस के ऊपर होगा. सो यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सरफेस एम एंड हुज रेंज इज टेंजेंट्स टू आर थ्री. सो कोई सा भी आप स्फीयर ले लें, उस पर आप किसी भी पॉइंट पे आप वेक्टर्स स्केच कर दें. अगर हर पॉइंट ऑफ द स्फीयर पे एक टेंजेंट वेक्टर है, देन दिस इज ए यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड ऑन दिस स्फीयर. सिमिलरली वी कैन डिफाइन इट फॉर एनी सरफेस. नाउ इन पर्टिकुलर व्हाट इज अ टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑन अ सरफेस एम, इट इज अ यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड ऑन द सरफेस एम दैट मैप्स एवरी पॉइंट पी ऑफ एम टू अ टेंजेंट वेक्टर वी पी एट एम. सो फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी सरफेस है मेरे पास, लेट्स से दिस इज द सरफेस, तो उसके हर पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, देन दिस यूक्लिडियन वेक्टर फील्ड गिव्स अस फॉर एवरी पॉइंट पी ऑफ एम ए टेंजेंट वेक्टर वी पी एट एम. सो व्हाट इज टेंजेंट वेक्टर एट एम, सो इट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सम कर्व पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. सो दिस इज वी ऑफ पी. सिमिलरली अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं, लेट्स से क्यू,
then the image v of q is basically the velocity vector of some curve. So this is v of q. And similarly, at each and every point, I will get a tangent to the surface at that point. So this is the tangent vector field. And most of the time, a Euclidean vector field are defined only on a small region of M. So let's say, for example, hum usko ek coordinate patch pe define karte hain. So tamam surface pe define karne ki bajaye hum sirf aur sirf ek coordinate patch pe define karenge. Aur similarly, kuch is tarah ki conditions ke under hum usko small portion of the surface pe define karenge. Now, what is a normal vector field? Now, remember, we have defined what is a tangent plane to the surface at point P. So, what is tangent plane? So, let's say this is the surface M. A tangent plane is basically the union of all tangent vectors at point P. And what are tangent vectors to the surface at point P? These are basically the velocity vectors of the curves passing through this point P. So this generates a plane. So is plane ke jo perpendicular vector hoga usko hum kahenge this is normal to the surface at point P. So let's define it formally. A tangent vector z to R3 at point P is normal to M if z is orthogonal to the tangent plane TP of M. So kisi bhi point pe what is normal to M at that point P, this is a vector which is orthogonal to the tangent plane TP of M. So ye point P given hai, is per tangent plane aapne define kiya, aur wo vector which is perpendicular to this plane usko hum kehte hain this is normal vector. Or what is normal vector field? A Euclidean vector field Z is normal vector field on M if Z of P is normal to M for every point P of M. So for example, इस केस में हमारे पास एक sphere given है. इस sphere में आप देखें कि हर point पे जो एक vector given है और ये vector ऐसा है which is perpendicular to the tangent plane at that point. So किसी भी point पे आप देख सकते हैं this is perpendicular to the tangent plane at that point P. So what is normal vector field? A normal vector field is a Euclidean vector field which gives you a vector at each and every point of the surface which is perpendicular to the tangent plane at that point. Or once again, let me remind you that this tangent plane is two-dimensional vector space or two-dimensional subspace of set of all tangent vectors to R3 at point P. Now let's see the situation more closely. Ek point P liya hai maine, which is on the surface M, and this surface M is contained in R3. अब इस पॉइंट P पे मेरे पास बहुत ज़्यादा टेंजेंट वेक्टर्स हैं एंड ऑल ऑफ दोज टेंजेंट वेक्टर्स आर कंटेन इन दिस टी पी ऑफ आर थ्री सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू आर थ्री एट पॉइंट P. अब इन तमाम टेंजेंट वेक्टर्स में से मैंने एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट चूज किया है और उसको मैंने कहा दिस इज द टेंजेंट स्पेस to M at P, and this tangent space is two-dimensional. So this is a two-dimensional object. So the tangent space to M at point P is a two-dimensional vector space. Ab agar maine three-dimensional object which is TP of R3, usme se maine ek two-dimensional subspace le li hai. Ab लेट्स से मेरे पास R3 है, इसमें मैं अगर XY ले लेता हूँ प्लेन,
और फिर मैं ये कहता हूँ व्हाट इज ए वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू एक्स एंड वाई प्लेन. सो दिस इज एक्स वाई प्लेन, गिव मी ए वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू दिस एक्स वाई प्लेन एंड व्हाट इज दैट वेक्टर. सो वो वेक्टर, सो वो वेक्टर या तो जेड एक्सिस हो सकता है या एनी वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. सो दिस इज आर थ्री. सो जो टेंजेंट स्पेस है टी पी ऑफ आर थ्री किसी भी पॉइंट पे, इट बिहेव्स लाइक, और जैसा कि हमने देखा था दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर थ्री. सो आर थ्री के केस में अगर कोई सा भी प्लेन गिवन है, सो दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी प्लेन, कोई सा भी प्लेन गिवन है लेट से एक्स वाई प्लेन, उस केस में अगर मुझे एक वेक्टर फाइंड आउट करना है ऑर्थोगोनल टू द एक्स वाई प्लेन देन इट विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस. सो आइदर इट विल बी जेड एक्सिस और इट विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस. और पैरेलल टू जेड एक्सिस का क्या मतलब है? सो बेसिकली जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है 001. सो ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू एक्स वाई प्लेन विल बी ए मल्टीपल. सो दिस फॉर एग्जांपल विल बी ए मल्टीपल लेट्स से ए ऑफ 001. सिमिलरली दिस वेक्टर विल बी सम अदर मल्टीपल लेट्स से ए वन ऑफ 001. And each and every vector will be some multiple of this unit vector along z-axis, क्योंकि ये parallel to z-axis. So अब दोबारा इस situation में आ जाते हैं हमारे पास. हमारे पास tangent space है at point P to R3, which is isomorphic to R3, or in other words, which behaves exactly like R3. उसमें हमने एक tangent plane define किया है. Tangent plane to the surface at point P, which is a two-dimensional object. So basically, it is a plane. So it is a plane in TP of R3. अब next हमने एक ऐसा vector define किया है, which is perpendicular or orthogonal to the tangent plane. Or what is that vector? This is the normal vector. So basically, according to the same criteria जो हमने x y plane और z axis के साथ किया था. According to the same discussion, ये जो normal vector है, it will be a multiple of only one vector. So जो भी आप normal vector लेंगे, कोई सा भी आप vector लेंगे, which has angle 90 degrees with this tangent plane, or which is orthogonal to this tangent plane, it will be a multiple of one vector. So let's say this vector is n. vector, then this vector will be some a into n vector, and this vector will be some, let's say, a1 into n, and this vector will be some scalar multiple a2 of n, and up to so on. Then each and every vector will be multiple of one vector. So basically, this is the normal vector. कोई सा भी normal vector ले लें आप, वो मल्टीपल होगा किसी एक वेक्टर का. सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और उसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, सो लेट्स से एन इज ए नॉर्मल वेक्टर, देन इफ आई कंसीडर हाफ एन बार देन इट इज अगेन ए नॉर्मल, इज नॉर्मल एंड इज इट इज नॉर्मल एट द सेम पॉइंट बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट. और ये जो टेंजेंट प्लेन है दिस इज एक्सटेंडेड इन्फिनेटली, इसमें जस्ट एक छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है. दिस इज जस्ट लाइक आर टू, ये जो ब्लू प्लेन आपको नजर आ रहा है विच इज द टेंजेंट प्लेन, दिस इज जस्ट लाइक आर टू. ये आर टू की तरह इन्फिनेटली एक्सटेंडेड है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पोर्शन दिखाया जा रहा है. सो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई वेक्टर ले लूँ विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन देन इट विल बी ए नॉर्मल वेक्टर. और ड्यू टू दिस डिस्कशन वी हैव कंक्लूडेड दैट अगर मैं किसी वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ देन आई विल अगेन गेट अनदर नॉर्मल वेक्टर. सो 100 इंटू एन इज अनदर नॉर्मल वेक्टर विच इज पैरेलल टू द सेम नॉर्मल वेक्टर एन. सिमिलरली अगर मैं 3 इंटू एन ले लूँ इट विल बी अनदर
नॉर्मल वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू द ओरिजिनल नॉर्मल वेक्टर. सो तमाम के तमाम ये पैरेलल हैं, लेकिन इनके इनिशियल पॉइंट्स डिफरेंट हैं और इनकी लेंथ डिफरेंट है. सो इसकी लेंथ में और इनिशियल पॉइंट्स में डिफरेंस है, अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर ऑर्थोगोनल टू द टेंजेंट प्लेन. सो बाई डेफिनेशन दे आर द नॉर्मल वैक्टर्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आइंदा डिस्कशन में इसको इस्तेमाल करेंगे. Now it is easy to deal with tangent and normal vector fields for surfaces given in implicit form. So अगर कोई सी भी surface है जो कि implicit form में given है, so implicit form means a surface is given like M defined as G is equal to C, then it is easy to define the normal vector field. और इस case में हम इसको कहते हैं this is the gradient vector field. So let M be a surface given in implicit form. The gradient vector field is the Euclidean vector field, nabla g, that maps every point p of m to this vector. So what is this vector? Let me write it down explicitly. So nabla g at point p. So this is the Euclidean vector field, jiska image kisi bhi surface ke point pe. So p is a point of the surface m. So it is defined like partial g by partial x1 at point p u1p plus partial g by partial x2 at point p u2 of p plus partial g by partial x3 at point p u3 of p. So किसी भी point p पे this nabla g of p is going to give me a vector which has the following components. So let's say this is x axis, this is y axis, and this is z axis. Then this is u1 of p, this is u3 of p, and this is u2 of p, and these are the components. So basically these are the components of this vector jo ke hame milega as nabla g of p. So इसके components क्या हैं? So along this u1 of p आपका component है partial g by partial x1 at point p, और इस side पे इसका क्या component है? Partial g by partial x2 of p, और इस side पे आपका क्या component है? This is partial g by partial x3 at point p. So किसी भी point पे आपने एक vector define किया है और उसके जो components हैं in terms of the natural frame u1 of p, u2 of p and u3 of p, ये इस तरीके से given है. Now the question is, अगर आप gradient vector field लें तो what does it mean? ये किस किस्म के vectors पे मुश्तमिल है और ये तमाम vectors क्या बना रहे हैं? So the answer of the question is, किसी भी surface के लिए जो कि implicit form में given हो, then the gradient vector field has the following properties. सबसे पहली बात यह है, it is the normal vector field. So this is really important, क्योंकि कोई भी surface अगर आपके पास given हो in the implicit form, then you can actually define its normal vector field in a very simple way. So calculating partial g by partial xi is not a problem, and evaluating at the point p is once again not a problem, but in this very compact formula you can calculate each and every normal vector to the surface defined in this implicit form. So koi si bhi surface given ho implicit form mein, then it is very easy to calculate the normal vector field by just calculating this gradient vector field. And once again, this is going to be non-zero at each and every point of M. So आइए अब हम इस लेमा को प्रूव करते हैं. So इस लेमा को प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें प्रूव करनी है. सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड है ये नॉन जीरो है, और उसके बाद ये नॉर्मल वेक्टर फील्ड है ऑन द सरफेस M. So सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि ये सरफेस है तो डेफिनेटली डी जी इज नॉन जीरो. सो इफ डी जी इज नॉन जीरो, देन वन ऑफ पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स वन, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स टू
और पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स थ्री इज नॉन जीरो. सो वन ऑफ देम इज नॉन जीरो. इफ वन ऑफ देम इज नॉन जीरो देन दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉन जीरो एट एवरी पॉइंट. सो बेसिकली वी आर रेफरिंग टू ए प्रीवियस रिजल्ट जिसमें हमने कहा था कि द इम्प्लिसिट फॉर्म जी इज इक्वल टू सी डिफाइंड ए सरफेस इफ डी जी इज नॉट इक्वल टू जीरो. एंड सो वन ऑफ देम पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स वन, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स टू, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स थ्री इज नॉन जीरो. सो दिस इम्प्लाइज द ग्रेडियंट वैक्टर फील्ड इज नॉन जीरो. So let's move to the next part, how to prove that this is a normal vector field on M. So to prove that it is a normal vector field, so we need to prove that this nebula G at each and every point is basically perpendicular to the vector V, so where V is tangent to the surface M at point P. So कोई सी भी हमारे पास सरफेस है उस पे एक पॉइंट P गिवन है एंड वी नीड टू प्रूव दैट हर पॉइंट P के लिए बेसिकली दिस वैक्टर फील्ड नेबला G एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी tangent to the surface. So this is tangent to the surface because there is a curve alpha passing through that point P and this is velocity vector to this curve. So if this is true for each and every vector, tangent vector V, then we are done. So as I said, kyunki ye tangent vector to the surface M hai, then there must exist a curve alpha passing through that point P such that at point P the velocity vector is this vector V. So this implies there exist curve alpha which is given like alpha 1, alpha 2, alpha 3, and since this curve lies on the surface M, so this implies G of alpha which is going to be equal to G of alpha 1, alpha 2, alpha 3, so this must be equal to C. So differentiating implies that we get partial G by partial x1 and then d alpha 1 by dt and this is calculated at alpha plus partial g by partial x2 at alpha d alpha 2 by dt plus partial g by partial x3 alpha and d alpha 3 by dt and this is equal to 0 because the derivative of constant c is 0. Now we also know that alpha prime of 0 is equal to the vector v. And let's say this vector V is V1, V2 and V3. Now we can write down this expression. Now if we put T is equal to 0 in this expression, then we get 0 is equal to, so in summation form this will be equal to partial G by partial XI alpha of 0 and d alpha I by dt 0 and since alpha prime of 0 is equal to the vector v, so what is alpha prime? So alpha prime is equal to alpha 1 prime, alpha 2 prime and alpha 3 prime. In other words, this is d alpha 1 by dt, this is d alpha 2 by dt and this is d alpha 3 by dt or iski t is equal to 0 pe value आपके पास v बन रही है. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू पार्शियल g बाय पार्शियल एक्स आई एट पॉइंट p, क्योंकि अल्फा ऑफ जीरो आपके पास क्या है, पॉइंट p है. सो दिस इज अल्फा ऑफ जीरो व्हिच इज द पॉइंट p
एंड दिस वी आई समेशन इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? दिस इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई एट पॉइंट पी एंड वी आई. सो दिस इज जस्ट नेबला जी एट पॉइंट पी डॉट वी. एंड व्हाट इज वी? वी इज दिस वेक्टर. सो व्हाट इज नेबला जी ऑफ पी? लेट मी राइट हेयर, नेबला जी ऑफ पी इज इक्वल टू पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई वन एट पॉइंट पी यू वन प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स टू एट पॉइंट पी यू टू प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स थ्री एट पॉइंट पी यू थ्री. सो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर वी के साथ, जिसको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉलोइंग फॉर्म, वी इज इक्वल टू वी वन यू वन प्लस वी टू यू टू प्लस वी थ्री यू थ्री. तो उसके डॉट प्रोडक्ट में आप सिर्फ इनके कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन विच इज द सेम एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैक्टर्स. सो बेसिकली वी हैव प्रूव दैट इफ एम इज अ सर्फेस गिवन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म देन द ग्रेडियंट वैक्टर फील्ड टू द सर्फेस इज बेसिकली नॉर्मल वैक्टर फील्ड टू द सर्फेस एंड दिस इज नॉन जीरो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस. नाउ लेट्स कंसिडर ए पर्टिकुलर एग्जाम्पल. हमारे पास एक स्फीयर गिवन है. स्फीयर इज डिफाइंड लाइक जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एंड वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट आर टेंजेंट वेक्टर फील्ड एंड व्हाट आर नॉर्मल वेक्टर फील्ड्स. नाउ व्हाट इज नेबला जी इन दिस केस? द ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड विच इज ऑल्सो द नॉर्मल वेक्टर फील्ड. सो इन दिस केस दिस इज इक्वल टू पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स यू वन प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई यू टू प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड यू थ्री. सो विच बिकम्स टू एक्स यू वन प्लस टू वाई यू टू प्लस टू जेड यू थ्री. सो दिस इज द ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड और नॉर्मल वेक्टर फील्ड. अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था जब हम नॉर्मल वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, दैट एनी मल्टीपल ऑफ द नॉर्मल वेक्टर इज आल्सो गोइंग टू बी अ नॉर्मल वेक्टर. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद हाफ देन इट इज अगेन गोइंग टू बी ए नॉर्मल वेक्टर एक्स यू वन प्लस वाई यू टू प्लस जेड यू थ्री. सो कोई सा भी पॉइंट गिवन हो मेरे पास, लेट्स से द पॉइंट पी और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से दे आर एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मींस हमारे पास जो ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो देर इज अ वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट ओरिजिन टू द पॉइंट पी और ये वेक्टर कौन सा है? दिस वेक्टर इज बेसिकली एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट वैक्टर और द पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट. अब मैं इस पॉइंट पी पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ इस नॉर्मल वैक्टर की, सो एट पॉइंट पी दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट यू वन ऑफ पी प्लस वाई नॉट यू टू ऑफ पी प्लस जेड नॉट यू थ्री ऑफ पी. Now, what are u1 of p, u2 of p, and u3 of p? So, u1 of p at this point is a vector parallel to x-axis, which is unit vector. u3 of p is a unit vector parallel to z-axis, and u2 of p is basically a unit vector parallel to y-axis. Now, at this point p, हमारे पास ये तीन unit vectors हैं. और इन तीनों यूनिट वेक्टर्स के अलोंग मैंने एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट कंपोनेंट्स लेने हैं. अब अगर आप गौर करें पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी हमने कैसे ऑब्टेन किया? सो हमने ऑब्टेन किया बाय टेकिंग एक्स नॉट यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई नॉट यूनिट अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड नॉट यूनिट अलोंग
जेड एक्सिस. सो इन अदर वर्ड्स मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स नॉट, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई नॉट, अलॉन्ग जेड एक्सिस जेड नॉट ट्रेवल करके मैं इस पॉइंट पे पहुंचा. और इन अदर वर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज एक्स नॉट, द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज वाई नॉट, एंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड इज जेड नॉट. अगर मैं इसी आइडिया को इस फ्रेम पे इम्प्लीमेंट करूं, ऐसा फ्रेम जिसका इनिशियल पॉइंट पी है अब ओरिजिन नहीं है, इनिशियल पॉइंट पी है, देन आई विल गेट ए वेक्टर व्हिच इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द वेक्टर. सो बेसिकली यूं समझ लें, मैं उसी वेक्टर को जो कि ओरिजिन से पी तक था, उसी वेक्टर को मैंने उठा के उसका इनिशियल पॉइंट पॉइंट पी कर दिया है. इनिशियल पॉइंट ओरिजिन नहीं रहा, इनिशियल पॉइंट मैंने पी कर दिया है. सो व्हाट इज दिस वेक्टर हाफ नेबला जी पी? दिस इज नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट पी. सो सिमिलरली अगर मेरे पास स्फीयर का कोई सा भी पॉइंट गिवन है तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर इज गोइंग टू बी जस्ट मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वेक्टर था उसको मैंने उठा के उसका इनिशियल पॉइंट उस पॉइंट पी को कर देना है इंस्टेड ऑफ ओरिजिन. सो सिमिलरली वी विल बी गेटिंग नॉर्मल वेक्टर्स कमिंग रेडियली इन द रेडियल डायरेक्शन, उसके जो रेडियस है उसके लॉन्ग इस किस्म की हमारे पास डायरेक्शंस आ रही होंगी. सो दीज आर नॉर्मल वेक्टर्स टू द स्फीयर. सो दिस मीन्स दैट द नॉर्मल वेक्टर टू द स्फीयर विल लुक लाइक दिस. एंड नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट, देन वी कैन कैलकुलेट बाय द फैक्ट दैट एट एनी पॉइंट पी द नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट पी. सो किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है एट द टेंजेंट प्लेन. सो इफ यू वांट टू डिफाइन द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो फॉर दिस इज डिफाइंड लाइक ऑल वी बिलोंग्स टू द टेंजेंट स्पेस टू आर थ्री एट पॉइंट पी सच दैट v dot n is equal to 0. Set of all vectors v such that v dot n is equal to 0. So first humne normal vector field define kiya hai, uske baad humne kaha hai ke what is a tangent vector field. Tangent vector field is basically the set of all tangent planes which are perpendicular to the normal vectors. सो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है, आई विल कंसीडर ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू आर थ्री एट पॉइंट पी सच दैट वी डॉट एन इज इक्वल टू जीरो एंड इट विल बी ए टू डायमेंशनल स्पेस. नाउ हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन किए थे, अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वी विच इज टेंजेंट टू द सरफेस एट पॉइंट पी. इससे पहले हमने जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डिफाइन किए थे वो हमने इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर डिफाइन किए थे, वेयर वी वाज एनी वेक्टर विच वाज टेंजेंट टू आर थ्री एट पॉइंट पी. नाउ हम एक खास क्लास के लिए विच आर टेंजेंट्स टू द सरफेस एट पॉइंट पी है, उसके लिए हम टेंजेंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डिफाइन करेंगे. सो लेट f from m to r be a real valued function on m, then the directional derivative of f with respect to v which is tangent to the surface at point p is written as bf, the same notation, and is defined as df alpha by dt at 0 for any curve alpha in m with alpha of 0 is p and alpha prime of 0 is v. So basically koi si bhi humare paas surface given hai, is surface mein हमने कहा कि एक v एक टेंजेंट वेक्टर है टू द सरफेस m, और हमने इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट करना है, एंड द फंक्शन इज फ्रॉम द सरफेस m टू द रियल लाइन. नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट?
क्योंकि v एक वेक्टर है टू द सरफेस m, सो दे विल एग्जिस्ट ए कर्व अल्फा सच दैट अल्फा ऑफ जीरो इज पॉइंट p एंड अल्फा प्राइम ऑफ जीरो इज द वेक्टर v. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस कर्व. देन वी डिफाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. आप f ऑफ अल्फा कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसको इवेल्यूएट कर लेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे. देन दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सरफेस वी. नाउ व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी लर्न व्हाट आर टेंजेंट्स टू द सरफेस एट एनी पॉइंट. दीज आर बेसिकली द वेलोसिटी वेक्टर्स टू सम कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट पी. उसके बाद हमने देखा व्हाट आर टेंजेंट वेक्टर फील्ड्स एंड व्हाट आर ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड्स. क्योंकि ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड्स को कैलकुलेट करना आसान है, इसलिए अगर आप टेंजेंट वेक्टर फील्ड्स भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप पहले ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड्स कैलकुलेट करें, और यहाँ से आप उन तमाम प्लेन्स को ले लें विच आर परपेंडिकुलर टू दैट नॉर्मल, एंड दिस विल गिव यू ए टेंजेंट वेक्टर फील्ड. नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंशियबल फॉर्म्स ऑन ए सरफेस, एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ अवर प्लान हाउ टू डू कैलकुलस ऑन ए सरफेस. एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.